देखिए रैपिड डायग्नोस्टिक किट जिसको आरडीटी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो आरडीटी होती है इनको बेसिकली आजकल जो बहुत इस्तेमाल में लाया जा रहा है, क्योंकि इनके जरिए जो है आप जो है घर बैठे जो है डिजीज का पता लगा सकते हैं कि आपको किस तरह की बीमारी है। अब इस वीडियो में जानने की ये काम कैसे करती है, तो एक्चुअली होता है क्या कि सबसे पहले जो ब्लड सैंपल है उसको हम जो है इस वायल के अंदर डालेंगे। अभी जो वायल है इसके अंदर आप देखेंगे कि गोल्ड नैनो पार्टिकल्स होते हैं, इनको हम गोल्ड नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं, और यही गोल्ड नैनो पार्टिकल के साथ जो है ये एंटीबॉडीज अटैच्ड है। अभी जो एंटीबॉडीज जो आप देख रहे हैं इनमें होता क्या है कि जब आपने जो ब्लड सैंपल डाला है उस ब्लड सैंपल के अंदर एंटीजन्स होती हैं। ये जो एंटीजन्स हैं ये पैरासाइट के स्पेसिफिक होती है, और ये जो एंटीबॉडीज है वो इन एंटीजन से अटैच हो जाती है। अब ऐसा होने के बाद होगा क्या कि बाद में जब इसके अंदर बफर डाला जाएगा तो वो जो बफर है, बफर एक सॉल्यूशन होता है जिसको इसके अंदर डाला जाता है, ये इसको गीला कर देगा, और बाद में ये जो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स है वहां से फ्लो होकर वो दूसरी साइड में जाने लगेंगे। अब यहाँ पर ही गोल्ड नैनो पार्टिकल इसे मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जो है एंटीबॉडीज की एक और स्ट्रिप आपको एक लाइन मिलेगी यहाँ पर, और ये जो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स है वो इस लाइन से अटैच हो जाएंगे। दरअसल यहाँ पर जो है एंटीबॉडी जो है गोल्ड नैनो पार्टिकल जो अटैच हो रही है वो इस तरीके से होती है क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज हैं ये खुद भी जो है एंटीजन के स्पेसिफिक होती है, तो ये एंटीजन से अटैच होती है, और एंटीजन जो है वो हमारे खुद इन गोल्ड नैनो पार्टिकल की जो एंटीबॉडीज हैं उनके साथ अटैच्ड है, और ये जो एंटीबॉडी है वो गोल्ड नैनो पार्टिकल के साथ अटैच है, तो इस तरीके से ये पूरा कॉम्बिनेशन बनता है। तो ऐसे करके होता है क्या कि पूरी जो लाइन है यहाँ पर जो है गोल्ड नैनो पार्टिकल अटैच हो जाते हैं, और इसकी वजह से ये विजिबल होने लगती है लाइन, और इस लाइन को हम टेस्ट लाइन बोलते हैं क्योंकि ये जो लाइन है एक्चुअल में जो है ब्लड के अंदर जो एंटीजन है उसको डिटेक्ट कर पा रही है। दूसरी तरफ हम देखें जो यहाँ पर जो एंटीबॉडी यहाँ पर अटैच नहीं होंगी वो फ्लो होते हुए आगे जाएंगी, और आगे एक और इसी तरह की एंटीबॉडीज की एक लाइन मिलेगी। यहाँ पर भी होगा क्या कि जो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स है वो यहाँ पर अटैच हो जाएंगी। यहाँ पर जो गोल्ड नैनो पार्टिकल अटैच हो रहे हैं ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से होते हैं, क्योंकि यहाँ पर होता है क्या है कि ये जो एंटीबॉडीज है ये दरअसल जो गोल्ड नैनो पार्टिकल के पास जो एंटीबॉडीज अटैच्ड हैं उनके टेल रीजन से अटैच हो जाएगी। अब ऐसा जब होगा तो क्योंकि हमारा जो एंटीबॉडी खुद ऑलरेडी गोल्ड नैनो पार्टिकल से अटैच है, तो इस तरीके से होगा कि पूरा गोल्ड नैनो पार्टिकल भी यहाँ पर अटैच रहेगा, और ये जो लाइन है ये भी विजिबल होने लगेगी। इस जो लाइन को जो हम यहाँ पर कंट्रोल लाइन बोलते हैं, इट मीन्स कि जब आप आरडीटी को यूज करोगे तो ये जो लाइन है वो हमेशा आएगी है, चाहे आपको बीमारी है या नहीं। लेकिन जो यहाँ पर आप टेस्ट लाइन जो देख रहे हैं ये केवल तभी आएगी जब आपको जो है बीमारी होगी, यानी कि जिस बीमारी के लिए आरडीटी बनी है तभी जो है ये जो लाइन है वो आने वाली है, अदरवाइज ये जो लाइन है वो नहीं आएगी। तो इस तरीके से जो है आरडीटी का जो मैकेनिज्म वो काम करता है।